प्राइवेट गई आदरणीय अध्यक्षा जी, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं जिस धैर्य के साथ आपने सदन का संचालन किया है। यह अविश्वास प्रस्ताव एक प्रकार से हमारे लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण शक्ति का परिचायक है। भले टीडीपी के माध्यम से ये प्रस्ताव आया हो, लेकिन उनके साथ जुड़े हुए कुछ माननीय सदस्यों ने प्रस्ताव का समर्थन करते हुए बातें कही हैं और एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसने प्रस्ताव का विरोध करते हुए बात कही है। मैं भी आप सबसे आग्रह करूंगा कि हम सब इस प्रस्ताव को खारिज करें और हम सब 30 साल के बाद देश में पूर्ण बहुमत के साथ बनी हुई सरकार को जिस गति से काम किया है उस पर फिर से एक बार विश्वास प्रकट करें। वैसे मैं समझता हूं ये एक अच्छा मौका है कि हमें तो अपनी बात कहने का मौका मिल नहीं रहा है, लेकिन देश को ये भी चेहरा देखने को मिला है कि कैसी नकारात्मकता है, कैसा विकास के प्रति विरोध का भाव है, कैसे कैसे नकारात्मक राजनीति ने कुछ लोगों को घेर के रखा हुआ है और उन सब का चेहरा निखर करके सज धज करके बाहर आया है। कईयों के मन में प्रश्न है कि अविश्वास प्रस्ताव आया क्यों, न संख्या है न सदन में बहुमत है और फिर भी सदन में इस प्रस्ताव को लाया क्यों गया, और सरकार को गिराने की इतना ही उतावलापन था तो मैं हैरान था कि सामने इसको 48 घंटे रोक दिया जाए, चर्चा की जल्दी जरूरत नहीं है। अगर अविश्वास प्रस्ताव पर जल्दी चर्चा नहीं होगी तो क्या आसमान फट जाएगा, क्या भूकंप आ जाएगा, क्या न जाने। अगर चर्चा की तैयारी नहीं थी, 48 घंटे और देर कर दो तो फिर लाए क्यों। और इसलिए मैं समझता हूं कि इसको टालने की जो कोशिश हो रही थी वो भी इस बात को बताती है कि उनकी क्या कठिनाई है। न मांझी न रहबर, न मांझी न रहबर, न हक में हवाएं, न मांझी न रहबर, न हक में हवाएं, है कश्ती भी जर्जर, ये कैसा सफर है। कभी तो लगता है कि
ये सारे जो भाषण में सुन रहा था, जो व्यवहार देख रहा था, मैं नहीं मानता हूं कि कोई अज्ञानवश हुआ है। और न ही ये झूठे आत्मविश्वास के कारण हुआ है, ये इसलिए हुआ है कि अहंकार इस प्रकार की प्रवृत्ति करने के लिए खींच के ले जा रहा है। मोदी हटाओ और आप सुबह तो मैं तो हैरान हूं आज सुबह भी कि अभी तो चर्चा प्रारंभ हुई थी, मतदान नहीं हुआ था, जय पराजय का फैसला नहीं हुआ था, फिर भी जिनको यहां पहुंचने की उत्साह है, उठो उठो उठो, उठा सकता है न बिठा सकता है, 125 करोड़ देशवासी बिठा सकते हैं, 125 करोड़ देशवासी उठा सकते हैं। लोकतंत्र में जनता पे भरोसा होना चाहिए, इतनी जल्दबाजी क्या है? और यह अहंकार ही है जो कहता है कि हम खड़े होंगे तो प्रधानमंत्री 15 मिनट तक खड़े नहीं हो पाएंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं खड़ा भी हूं और 4 साल हमने जो काम किए हैं उस पर अड़ा भी हूं। हमारी सोच उनसे अलग है। हमने तो सीखा है सार सार को गही रहे, थोथा दे ये उड़ा। खैर, मैं सार ग्रहण करने के लिए काफी कोशिश कर रहा था लेकिन आज मिला नहीं। डंके की चोट पर अहंकार ये कहलाता है। 2019 में पावर में आने नहीं देंगे। जो लोगों में विश्वास नहीं करते और खुद को ही भाग्य विधाता मानते हैं, उनके मुंह से ऐसे शब्द निकलते हैं। लोकतंत्र में जनता जनार्दन भाग्य विधाता होती है, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं पर भरोसा होना जरूरी है। अगर 2019 में कांग्रेस सबसे बड़ा दल बनती है तो मैं बनूंगा प्रधानमंत्री, लेकिन दूसरों की ढेर सारी ख्वाहिश है, उनका क्या होगा इस बारे में कंफ्यूजन है। अध्यक्ष महोदय जी, ये सरकार का फ्लोर टेस्ट नहीं है, ये तो कांग्रेस का अपने तथाकथित साथियों का फ्लोर टेस्ट है। मैं ही प्रधानमंत्री बनूंगा के सपने पर और दर भी थोड़े मोहर लगा दें, इसके लिए ट्रायल चल रहा है। आपसे मिले, मैं बनता हूं। इस प्रस्ताव के बहाने अपने कुनबे को जो जमाने की कोशिश की है, कहीं बिखर न जाए इसकी चिंता पड़ी।
एक मोदी को हटाने के लिए जिसके साथ कभी देखने का संबंध नहीं, मिलने का संबंध नहीं, ऐसी धरियों को इकट्ठा करने का प्रयास हो रहा है। मेरी कांग्रेस के साथियों की सलाह कि जब भी अगर आपको अपने संभावित साथियों की परीक्षा लेनी है तो जरूर लीजिए, लेकिन कम से कम अविश्वास का प्रस्ताव का तो बहाना न बनाइए। जितना अविश्वास वो सरकार पर करती हैं, कम से कम उतना विश्वास अपने संभावित साथियों पर तो करिए। हम यहां इसलिए हैं कि हमारे पास संख्या बल है। हम यहां इसलिए हैं कि 125 करोड़ देशवासियों के हमें आशीर्वाद है। अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए देश के मन पर, देशवासियों के दिए आशीर्वाद पर नॉट अगेन, कम से कम अविश्वास न करें। बिना तुष्टिकरण किए, बिना वोट बैंक की राजनीति किए, सबका साथ सबका विकास, ये मंत्र पर हम काम करते रहे। पिछले 4 वर्ष में उस वर्ग और क्षेत्र में काम नॉट लाइक दिस प्लीज, जिसके पास चमक धमक नहीं, प्लीज प्लीज ये मत करो। जी 18,000 गांवों में पहुंचाने का काम, यू गो टू योर सीट, आई विल सी छोटा नरसिंहन जी, नरसिंहन जी दिस इज नॉट प्रॉपर, नरसिंहन जी यू विल हैव टू गो टू योर सीट, आई विल डू इट। Not fair. You will have to listen. Please listen quietly. Reply to karna, dekhna padega na. Please go to your seat. Please go to your seat.
बैठिए आप लोग, आप तो शांति से बैठिए, कुछ बैठिए जाएगा और में कुछ नहीं जाएगा ये बात। अध्यक्ष महोदय जी, सबका साथ सबका विकास, इसी मंत्र को लेकर के हम काम करने वाली सरकार जब 18,000 गांवों में बिजली पहुंची, ये काम पहले भी सरकारें कर सकती थी, लेकिन अध्यक्ष महोदया, इन 18,000 गांवों में 15,000 गांव, आप बैठिए वो समझा रहे हैं, 15,000 गांव पूर्वी भारत के, और उन 15,000 में भी 5,000 गांव, 5,000 गांव पूरी तरह नॉर्थ ईस्ट के। आप कल्पना कर सकते हैं इन इलाकों में कौन रहता है, हमारे आदिवासी, हमारे गरीब, यही महानुभाव रहते हैं, दलित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, वंचित हो, जंगलों में जिंदगी गुजारने वाले हो, इनका बहुत बड़ा तबका रहता है, लेकिन ये लोग ये क्यों नहीं करते थे, क्योंकि उनके वोट के गणित में फिट नहीं होता और उनका इस आबादी पर विश्वास नहीं था, उसी के कारण नॉर्थ ईस्ट को अलग थलग कर दिया गया। हमने सिर्फ इन गांवों में बिजली पहुंचाई ऐसा नहीं, अपने कनेक्टिविटी के हर मार्ग पर तेज गति से काम किया, बैंक के दरवाजे, गरीबों के नाम पर बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, लेकिन बैंक के दरवाजे गरीबों के लिए नहीं खुले, जब उनकी सरकारें थी इतने साल बैठे थे, वे भी गरीबों के लिए बैंक के दरवाजे खोल सकते थे, लगभग 32 करोड़ जनधन खाते खोलने का काम हमारी सरकार ने किया, और आज 80,000 करोड़ रुपया इन गरीबों ने बचत करके इन जनधन अकाउंट में जमा किए हैं। माताओं बहनों के लिए, उनके सम्मान के लिए 8 करोड़ शौचालय बनाने का काम इस सरकार ने किया, ये पहले की सरकारें भी कर सकती थी। उज्ज्वला योजना से 4.5 करोड़ गरीब माताओं बहनों को आज धुआं मुक्त जिंदगी और बेहतर स्वास्थ्य का काम, ये विश्वास जगाने का काम हमारी सरकार ने किया। ये वो लोग थे जो 9 सिलेंडर बल्कि 12 सिलेंडर इसी की चर्चा में खोए हुए थे, उनका अविश्वास के बीच वो जनता को भटका रहे थे। एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के अनुसार बीते 2 वर्षों में 5 करोड़ देशवासी भीषण गरीबी से बाहर आए, 20 करोड़ गरीबों को मात्र 90 पैसे प्रतिदिन और 1 रुपये महीने के प्रीमियम पर बीमा का सुरक्षा कवच भी मिला। आने वाले दिनों में आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपयों का बीमारी में मदद करने का इंश्योरेंस इस सरकार ने लिया है। इनको इन बातों पर भी विश्वास नहीं है। हम किसानों की आय 2022 तक 2 गुना करने की दिशा में एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं, उस पर भी इनको विश्वास नहीं। हम बीज से लेकर के बाजार तक
संपूर्ण व्यवस्था के अंदर सुधार कर रहे हैं, सीमलेस व्यवस्थाएं बना रहे हैं, इस पर भी उनका विश्वास नहीं है। 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करके वर्षों से अटकी हुई 99 सिंचाई योजनाओं को, उन परियोजनाओं को पूर्ण करने का काम चल रहा है। कुछ योजनाएं पूर्णता पर पहुंच चुकी हैं, कुछ लोकार्पण हो चुका है, लेकिन इस पर भी इनका विश्वास नहीं है। हमने 15 करोड़ किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड पहुंचाया, आधुनिक खेती की तरफ किसानों को ले गए, लेकिन इस पर भी इनका विश्वास नहीं है। हमने यूरिया में निम कोटिंग उन्होंने थोड़ा करके छोड़ दिया, 100% किए बिना उसका लाभ नहीं मिल सकता है। हमने 100% निम कोटिंग का काम किया, जिसका लाभ देश के किसानों को हुआ है। यूरिया की जो कमी महसूस होती थी वो बंद हुई है, और इस पर भी इनका विश्वास नहीं है। न हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को विश्वास दिलाने का काम किया, न सिर्फ प्रीमियम कम किया लेकिन इंश्योरेंस का दायरा भी हमने बढ़ाया। उदाहरण के तौर पर 2016-17 में किसानों ने करीब 1300 करोड़ रुपए बीमा के प्रीमियम के रूप में दिया, जबकि उन्हें सहायता के रूप में 5500 करोड़ रुपए से ज्यादा की क्लेम राशि दी गई। यानी किसानों से जितना लिया गया उससे 3 गुना ज्यादा कल में क्लेम राशि उनको हम पहुंचा दिए, लेकिन इन लोगों को विश्वास नहीं होता। माननीय अध्यक्ष महोदय, एलईडी बल्ब, जरा ये बताएं तो सही, क्या कारण है कि उनके कालखंड में एलईडी बल्ब 350-400 रुपए में बिकता था, आज वो एलईडी बल्ब 40-45 रुपए में पहुंच गया, और 100 करोड़ छोटा आंकड़ा नहीं है, 100 करोड़ एलईडी बल्ब आज बिक चुके हैं। इतना ही नहीं, 500 से ज्यादा अर्बन बॉडीज में 62 लाख से ज्यादा एलईडी बल्ब स्ट्रीट लाइट में लग चुके हैं, और उसके कारण उन नगर पालिकाओं के खर्च में भी बचत हुई है। उनके समय में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां 2 थी, आज मोबाइल फोन बनाने वाली 120 कंपनियां हैं, लेकिन उनका विश्वास काम नहीं कर रहा है। युवाओं के स्वरोजगार के लिए पहले पढ़े लिखे नौजवानों को सर्टिफिकेट पकड़ा दिया जाता था, वो रोजी रोटी के लिए भड़कता था। हमने मुद्रा योजना के तहत 13 करोड़ नौजवानों को लोन देने का काम किया है। इतना ही नहीं, वक्त बदल चुका है, आज 10,000 से ज्यादा स्टार्टअप हमारे देश के नौजवान चला रहे हैं, और देश को इनोवेटिव इंडिया की तरफ ले जाने का काम कर रहे हैं। एक समय था जब हम डिजिटल लेन देन की बात करने लगे तो यही सदन में बड़े बड़े विद्वान लोग कहने लगे, हमारा देश तो अनपढ़ है, डिजिटल ट्रांजेक्शन कैसे कर सकता है, हमारे देश के गरीब को तो ये कैसे पहुंच सकता है। अध्यक्ष महोदय जी, जो लोग इस प्रकार से देश की जनता की ताकत को कम आंकते थे, उनको जनता ने करारा जवाब दिया है। अकेले भीम ऐप और मोबाइल फोन से 1 महीने में 41,000 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन ये हमारे देश के नागरिक आज कर रहे हैं, लेकिन उनका देश की जनता पे विश्वास नहीं है। अनपढ़ है, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, यही मानसिकता का परिणाम है। अध्यक्ष महोदय जी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 42 अंक में सुधार हुआ, इनको अब उस पर भी शक होने लगा है, उन संस्थाओं पर भी अविश्वास करने लगे हैं। ग्लोबल कॉम्पिटेटिव इंडेक्स में 31 अंक का सुधार हुआ है, उसमें भी उनको शक हो रहा है।
इनोवेशन इंडेक्स में 24 अंक में सुधार हुआ है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाकर सरकार कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में को कम कर रही है। मेक इन इंडिया हो या जीएसटी, इन पर भी इनका विश्वास नहीं है। भारत ने अपने साथ ही पूरी दुनिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को मजबूती दी है। बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज गति से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था भारत छठे नंबर की अर्थव्यवस्था है। और ये जयकारा सरकार में बैठे हुए लोगों का नहीं है, 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के पुरुषार्थ का है। अरे इसके लिए तो गौरव करना सीखो, लेकिन वो भी गौरव करना नहीं जानते हैं। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की दिशा में आज देश तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हमने काले धन के खिलाफ लड़ाई छेड़ी है और ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। और मैं जानता हूं इसके कारण कैसे कैसे लोगों को परेशानी हो रही है, वो गांव अभी भी उनके भर नहीं रहे हैं, ये तो आपके व्यवहार से हमें पता चलता है। हमने टेक्नोलॉजी का उपयोग किया और टेक्नोलॉजी के माध्यम से सरकारी खजाने से निकले हुए रुपये जो कहीं और चले जाते थे, उसमें 90,000 करोड़ रुपए बचाने का काम टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया है। गलत हाथों में जाता है, किस प्रकार की व्यवस्थाओं से चलता था, देश भली भांति जाता है। 2.5 लाख से ज्यादा सेल कंपनियां, उसको हमने ताले लगा दिए और भी करीब 2 लाख 2.25 लाख कंपनियां आज भी नजर में है, कभी भी उन पर ताला लगने की संभावना पड़ी है। क्योंकि इसको पनपाया किसने, कौन ताकत थी जो उसको बढ़ावा देती थी और इन व्यवस्थाओं के माध्यम से अपने खेल खेले जा रहे थे। बेनामी संपत्ति का कानून सदन ने पारित किया, 20 साल तक नोटिफाई नहीं किया गया। क्यों, किसको बचाना चाहते थे? और हमने आकर के इस काम को भी किया और मुझे खुशी है अब तक 4,450 करोड़ रुपए की संपत्ति इस बेनामी संपत्ति के तरह जब्त कर दी गई है। देश को विश्वास है, दुनिया को विश्वास है, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ संस्थाओं को विश्वास है, लेकिन जो खुद पर विश्वास नहीं कर सकते वो हम पर विश्वास कैसे कर सकेंगे? और इसलिए, और ये सब ऐसा नहीं होता है, इस प्रकार की मानसिकता वाले लोगों के लिए हमारे शास्त्रों में बहुत अच्छे ढंग से कहा गया है। वो कहा है, धारा नैव पतन्ति, धारा नैव पतन्ति चातक मुखे मेघस्य किम दूषणम्। यानी चातक पक्षी के मुंह में बारिश की बूंद सीधे नहीं गिरती तो इसमें बादल का क्या दोष? अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस को खुद पर अविश्वास है, ये अविश्वास से गिरे हुए हैं। अविश्वास ही उनके पूरी कार्यशैली, उनकी सांस्कृतिक जीवन का हिस्सा है। उनको विश्वास नहीं है स्वच्छ भारत, उसमें भी विश्वास नहीं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, उस पर भी विश्वास नहीं। देश के मुख्य न्यायाधीश, उन पर भी विश्वास नहीं। रिजर्व बैंक, उन पर भी विश्वास नहीं। अर्थव्यवस्था के आंकड़े देने वाली संस्थाएं, उन पर भी विश्वास नहीं। देश के बाहर पासपोर्ट की ताकत क्या बढ़ रही है, या फिर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश का गौरवगान कैसे हो रहा है, उस पर भी उनको विश्वास नहीं है। चुनाव आयोग पर विश्वास नहीं, ईवीएम पर विश्वास नहीं। क्यों? क्योंकि उनको अपने पर विश्वास नहीं है। और ये अविश्वास क्यों बढ़ गया, जब कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग अपना ही विशेषाधिकार मानते थे,
अपना ही विशेष अधिकार मान करके जो बैठे थे, जब ये जनाधिकार में परिवर्तित होने लगा तो जरा वहां पर बुखार चढ़ने लगा, परेशानी बढ़ने लगी, क्योंकि जब प्रक्रियाओं को प्रभावित करने की परंपराओं को बंद किया गया तो उनको परेशानी होना बड़ा स्वाभाविक था। जब भ्रष्टाचार पर सीधा प्रहार होने लगा तो उनको परेशानी होनी बहुत स्वाभाविक थी। जब भ्रष्टाचार की कमाई आनी बंद हो गई तो उनकी बेचैनी बढ़ गई, ये भी साफ है। जब कोर्ट कचहरी में उन्हें भी पेश होना पड़ा तो उनको भी जरा तकलीफ होने लगी है। मैं हैरान हूं, यहां ऐसे विषयों को स्पर्श किया गया, आजकल शिव भक्ति की बातें हो रही है। मैं भी भगवान शिव को प्रार्थना करता हूं, मैं 125 करोड़ देशवासियों को भी प्रार्थना करता हूं, आपको इतनी शक्ति दें कि 2024 में फिर से आप अविश्वास प्रस्ताव ले आए। मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। यहां पर डोकलाम की चर्चा की गई, मैं मानता हूं कि जिस विषय की जानकारी नहीं है कभी कभी उस पर बोलने से बात बड़ी उल्टी पड़ जाती है, उसमें व्यक्ति का नुकसान कम है देश का नुकसान हो जाता है, और इसलिए ऐसे विषयों पर बोलने से पहले थोड़ा संभालना चाहिए। हमें एक घटनाक्रम जरा याद रहना चाहिए, जब सारा देश, सारा तंत्र, सारी सरकार एकजुट होकर के डोकलाम के विषय को लेकर के प्रवृत्तिशील थी, अपनी अपनी जिम्मेवारियां संभाल रही थी, तब जो आज डोकलाम की बातें करते वो चीन के राजदूत के साथ बैठते हैं। और बाद में कभी ना तो कभी हां, जैसे फिल्मी अंदाज में चल रहा था, नाटकीय ढंग से चल रहा था, कोई कहता था मिले, कोई कहता था नहीं मिले, फिर कहते थे मिले, फिर कहते थे नहीं मिले, क्यों भाई ऐसा सस्पेंस क्यों? मैं समझता हूं, और कांग्रेस प्रवक्ता ने तो पहले साफ मना कर दिया था कि उनके उपाध्यक्ष चीनी राजदूत को मिले ही नहीं है। इस बीच एक प्रेस विज्ञप्ति भी आ गई और फिर कांग्रेस ने मानने के लिए मजबूर होना पड़ा, हां मुलाकात तो हुई थी। क्या देश देश के विषयों कोई गंभीरता नहीं होती क्या? क्या हर जगह पे बचकाना हरकत करते रहेंगे क्या? यहां पर राफेल विवाद को छेड़ा गया, मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं कि सत्य को इस प्रकार से कुचला जा सकता है, सत्य को इस प्रकार से रौंदा जाता है और बार बार चीख चीख करके देश को गुमराह करने का काम, और इन्हीं विषयों पर, देश की सुरक्षा से जुड़े हुए विषयों पर ही इस प्रकार से खेल खेले जाते हैं, ये देश कभी माफ नहीं करेगा। यह कितना दुखद है कि सदन में लगाए गए आरोप पर दोनों देश को बयान जारी करना पड़ा, मैं समझता हूं, और दोनों देश को खंडन करना पड़े। क्या ऐसी बचकाना हरकत हम करते रहेंगे क्या? कोई जिम्मेवारी है कि नहीं? जो लोग इतने साल सत्ता में रहे बिना हाथ पैर के, बिना कोई सबूत, बस चिल्लाता चीखते रहो, चिल्लाते रहो, सत्य का गला घोटने की कोशिश है,
देश की जनता भली भांति जानती है और हर बार जनता ने आपको जवाब दिया है और अब सुधरने का मौका है, सुधरने की कोशिश करें। ये राजनीति का स्तर देश हित में नहीं है और मैं इस सदन के माध्यम से अध्यक्ष महोदय जी, मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि ये समझौता दो देशों के बीच हुआ है, ये कोई व्यापारी पार्टियों के साथ नहीं हुआ है, दो जिम्मेवार सरकारों के बीच में हुआ है और पूरी पारदर्शिता के साथ हुआ है। और मेरी प्रार्थना भी है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर, इतने संवेदनशील मुद्दे पर ये बचकाना बयानों से बचा जाए, ये मेरा आग्रह है। और नामदार के आग्रह में प्रार्थना ही कर सकता हूं क्योंकि हमने देखा है एक ऐसी मानक प्रवृत्ति बन चुकी है कि देश के सेनाध्यक्ष को किस भाषा प्रयोग किया गया, क्या कभी होता है क्या देश के सेनाध्यक्ष के लिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाएगा? आज भी हिंदुस्तान के हर सिपाही जो सीमा पर होगा, जो निवृत्त होगा, आज उसको इतनी गहरी चोट पहुंची होगी जिसकी सदन में बैठ करके हम कल्पना नहीं कर सकते। जो देश के लिए मर मिटने के लिए निकले हैं, जो देश की भलाई के लिए काम करते हैं, उस सेना के जवानों की पराक्रम को, उन पराक्रमों को स्वीकारने का आपको सामर्थ्य नहीं होगा। लेकिन आप सर्जिकल स्ट्राइक को जुमला स्ट्राइक बोले, आप सर्जिकल स्ट्राइक को जुमला स्ट्राइक बोले, यह देश कभी माफ नहीं करेगा। आपको गालियां देनी है तो मोदी मौजूद है, आपकी सारी गालियां सुनने के लिए तैयार है, लेकिन देश के जवान जो मर मिटने के लिए निकले हैं उनको गालियां देना बंद कीजिए। सर्जिकल स्ट्राइक को जुमला स्ट्राइक, इस प्रकार से सेना को अपमानित करने का काम निरंतर चलता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा यह अविश्वास एक कांग्रेस की फितरत है। कांग्रेस ने देश में अस्थिरता फैलाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव की संवैधानिक व्यवस्था का दुरुपयोग किया। हमने अखबार में पढ़ा कि अविश्वास प्रस्ताव की स्वीकृति के तुरंत बाद बयान दिया गया, कौन कहता है हमारे पास नंबर नहीं है। यह अहंकार देखिए। मैं इस सदन को याद कराना चाहता हूं, 1999 राष्ट्रपति भवन के सामने खड़े होकर के दावा किया गया था, हमारे पास तो 272 की संख्या है और हमारे साथ और भी जुड़ने वाले हैं, 272 पूरे देश में। और अटल जी की सरकार को सिर्फ एक वोट से गिरा दिया, लेकिन खुद जो 272 का दावा किया था वो खोखला निकला और 13 महीनों में देश को चुनाव के अंदर जाना पड़ा, चुनाव थोपे गए देश पर। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज फिर एक स्थिर जनादेश उसको अस्थिर करने के लिए खेल खेले जा रहे हैं। राजनीतिक अस्थिरता के द्वारा अपनी स्वार्थ सिद्धि करना ये कांग्रेस की फितरत रही है। 1979 में किसान नेता माटी के लाल चौधरी चरण सिंह जी को
पहले समर्थन का भ्रम दिया और फिर वापिस ले लिया। एक किसान, एक कामगार का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है। चंद्रशेखर जी का भी उसी तरह अपमान, मॉडस ऑपरेंडी वही था, पहले सहयोग की रस्सी फेंको और फिर धोखे से उसे वापस खींचो, यही खेल चलता रहा, यही फॉर्मूला 1997 में फिर अपनाया गया। पहले देवगौड़ा जी को, पहले आदरणीय देवगौड़ा जी को अपमानित किया गया और फिर इंद्र कुमार गुजराल जी की बारी आई। क्या देवगौड़ा जी हो, क्या मुलायम सिंह यादव हो, कौन भूल सकता है कांग्रेस ने इन लोगों के साथ क्या किया। जमीन से उठे अपने श्रम के, लोगों के हृदय में जगह बनाने वालों के, जन नेता के रूप में उभरे हुए उन्होंने, उन नेताओं को, उन दलों को कांग्रेस ने छला है और बार बार देश को अस्थिरता में धकालने का पाप किया है। कैसे कांग्रेस ने अपनी सरकार बचाने के लिए दो दो बार विश्वास को खरीदने का प्रयास किया, वोट के बदले नोट, ये खेल कौन नहीं जानता। एक बार और कही गई, यहां पूछा गया कि प्रधानमंत्री अपनी आंख में मेरी आंख भी नहीं डाल सकते। माननीय अध्यक्ष महोदया, सही, हम कौन होते हैं जो आपकी आंख में आग डाल सके। कोई गरीब मां का बेटा, पिछड़ी जाति में पैदा हुआ, गांव से आया है, आप तो नामदार है, नामदार, हम तो कामदार है, आपकी आंख में आग डालने की हिम्मत हमारी नहीं, हम नहीं डाल सकते। और इतिहास गवाह है अध्यक्ष महोदय जी, इतिहास गवाह है, सुभाष चंद्र बोस ने कभी आंख में आग डालने की कोशिश की, उनके साथ क्या किया गया। मोरारजी भाई देसाई गवाह है, उन्होंने आंख में आग डालने की कोशिश की, क्या किया गया। जयप्रकाश नारायण गवाह है, उन्होंने आंख में आग डालने की कोशिश की, उनसे साथ क्या किया गया। चौधरी चरण सिंह, उन्होंने आंख में आग डालने की कोशिश की, उनके साथ क्या किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आंख में आग डालने की कोशिश की, उनके साथ क्या किया गया। चंद्रशेखर जी ने आंख में आग डालने की कोशिश की, क्या किया गया। अरे प्रणब मुखर्जी ने आंख में आग डालने की कोशिश की, क्या किया गया। अरे इतना ही नहीं, हमारे शरद पवार जी ने आंख में आग डालने की कोशिश की थी, उनके साथ भी क्या किया गया था। मैं सारा कच्चा चिट्ठा खोल सकता हूं। ये आंख में आंख, और इसलिए आंख में आग डालने की कोशिश करने वालों को कैसे अपमानित किया जाता है, कैसे उनको ठोकर मार के निकाला जाता है। एक परिवार का इतिहास इस देश में अनजान नहीं है, और हम तो कामदार है, भला हम नामदार से आंख में आग कैसे डाल सकते। और आंखों की बात करने वालों की आंखों की हरकतों ने आज टीवी पे पूरा देश देख रहा है, कैसे आंख खोली जा रही है, कैसे बंद की जा रही है।
ये आंखों का खेल। माननीय अध्यक्ष महोदया जी, लेकिन आंख में आंख डाल करके आज सत्य को कुचला गया है, बार बार कुचला गया है, सत्य को बार बार रौंदा गया है। यहां कहा गया कांग्रेस ही थी, जीएसटी में पेट्रोलियम को क्यों नहीं लाए? मैं जरा पूछना चाहता हूं, अपने परिवार के इतिहास के बाहर भी को तो कांग्रेस का इतिहास है, अपने परिवार के बाहर कांग्रेस सरकारों का भी इतिहास है। अरे जरा इतना तो ध्यान रखो, जब यूपीए सरकार थी तब पेट्रोलियमों को बाहर रखने का, जीएसटी के बाहर रखने का निर्णय आपकी सरकार ने किया था। आपको यह भी मालूम नहीं है? आज यहां यह भी कहा गया, आपका आपका विषय लेने वाला हूं मैं आपकी बात, जयदेव जी आपकी बात लेने वाला हूं, आपकी बात लेने वाला हूं, आपका विषय आएगा। अरे जरा बारी बारी से आने दो, किसी को छोड़ने वाला नहीं, आप चिंता मत कीजिए, हर किसी का सम्मान करूंगा, आप चिंता मत कीजिए। आज यहां यह भी बात कही गई कि आप चौकीदार नहीं भागीदार हैं। माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं, हम चौकीदार भी हैं, हम भागीदार भी हैं, लेकिन हम आपकी तरह सौदागर नहीं है, ठेकेदार नहीं है। ना हम सौदागर हैं, ना हम ठेकेदार हैं, हम भागीदार हैं, देश के गरीबों के दुख के भागीदार हैं, हम देश के किसानों की पीड़ा के भागीदार हैं, हम भागीदार हैं, देश के नौजवानों के सपनों के भागीदार हैं, हम भागीदार हैं, देश के उन 115 जिले जो आकांक्षी जिले हैं उनके विकास के सपनों के भागीदार हैं, हम देश को विकास की नई राह पर ले जाने वाले मेहनत कश मजदूरों के भागीदार हैं, हम भागीदार हैं और हम भागीदार रहेंगे। उनके दुख को बांटना ये हमारी भागीदारी जिम्मेवारी है, हम निभाएंगे। हम ठेकेदार नहीं है, हम सौदागर नहीं है, हम चौकीदार भी है, हम भागीदार भी है, हमें गर्व है इस बात। कांग्रेस का एक ही मंत्र है, कांग्रेस का एक ही मंत्र है, या तो हम रहेंगे और अगर हम नहीं हुए तो फिर देश में अस्थिरता रहेगी, अफवाहों का साम्राज्य रहेगा। ये पूरा कालखंड देख लीजिए, वहां भी भुक्तभोगी बैठे हैं, उनसे वहां बैठे हुए भी परेशानियां थे, कोई बात बाकी नहीं है, सबके साथ क्या हुआ सबको मालूम है। अफवाहें उड़ाई जाती हैं, झूठ फैलाया जाता है, अपप्रचार किया जाता है। आज के युग में देश में अफवाहें फैलाने के लिए तो टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है, और आरक्षण खत्म हो जाएगा, दलितों पर अत्याचार रोकने वाला कानून खत्म किया गया है, देश को हिंसा की आग में झोंकने के षड्यंत्र हो रहे हैं। अध्यक्ष महोदया जी, ये लोग राजनीति दलितों, पीड़ितों, शोषितों, वंचितों, गरीबों को इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके राजनीति करते रहे, कामगार हो किसान हो, उनके दुखों की चिंता किए बिना समस्याओं के समाधान के रास्ते खोजने के बजाय चुनाव जीतने के शॉर्टकट ढूंढने का प्रयास हुआ है देश में, और उसी का कारण है कि देश का एक बहुत बड़ा तबका सशक्तिकरण से वंचित रह गया है। बार बार बाबा साहब अंबेडकर की भाषा, उनके पहनावे पर
उनकी राजनीति पर मजाक उड़ाने वाले लोग आज बाबा साहब के गीत गाने लगे हैं। धारा 356 का बार बार दुरुपयोग करने वाले हमें लोकतंत्र के पाठ पढ़ाने की बातें करते हैं। जो सरकार, जो मुख्यमंत्री पसंद नहीं आता था, उसको हटाना, अस्थिरता पैदा करना, ये खेल देश आजाद होने के तुरंत बाद शुरू कर दिया गया, जो कभी भी मौका नहीं छोड़ा गया है। और इसी नीति का परिणाम 1980, 1991, 1998, 1999 देश को समय से पहले चुनाव के अंदर घसीटा गया, चुनाव में जाना पड़ा। एक परिवार के सपनों, आकांक्षाओं के सामने जो भी आया उसके साथ यही बर्ताव किया गया। चाहे देश को, लोकतंत्र को ही दांव पर क्यों ना लगाना पड़े, स्वाभाविक है जिनकी ये मानसिकता पड़ी हो, जिनके अंदर इतना अहंकार भरा हो, वो हम लोगों को कैसे स्वीकार कर सकते हैं? हमारा यहां बैठना उनको कैसे गवारा हो सकता है? ये हम बली भांति समझते हैं और इसलिए हमको नापसंद करना बहुत स्वाभाविक है। माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी जमीन से कट चुकी है और वो तो डूबे हैं, लेकिन उनके जाने जाने साथ जाने वाले भी, हम तो डूबे शर्म तुम भी डूबोगे, इनका भी यही हाल होने वाला है। लेकिन मैं अर्थ और अनर्थ में हमेशा उलझे हुए, अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान मानने वाले और विद्वता का जिनको अहंकार है, अर्थ और अनर्थ में हमेशा उलझे हुए एक व्यक्ति ने जो बात बताई थी, उन्हीं के शब्दों को मैं कोट करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी अलग अलग राज्यों में क्यों और कैसे कमजोर हो गई, कांग्रेस पार्टी अलग अलग राज्यों में क्यों और कैसे कमजोर हो गई, मैं एक ऐसे राज्य से आता हूं जहां इस पार्टी का प्रभुत्व समाप्त हो गया है। क्यों? कांग्रेस इस बात को समझ नहीं पाई कि सत्ता अब उच्च वर्ग, साधन संपन्न वर्गों से गांव देहात के लोगों, इंटरमीडिएट कास्ट और यहां तक कि ऐसी जातियों को कथित सोशल ऑर्डर में सबसे नीचे हैं, गरीब, बेरोजगार, जिनके पास संपत्ति नहीं, जिनकी कोई आमदनी नहीं, जिनकी आवाज आज तक सुनी नहीं गई, उन तक पहुंची है। जैसे जैसे पावर नीचे की तरफ चलती गई, जैसा कि लोकतंत्र में होना चाहिए, वैसे वैसे अनेक राज्यों में कांग्रेस का प्रभाव खत्म होता गया। ये इनटू इन्वर्टेड कोटेबल कोट है और यह है 11 अप्रैल 1997 का और देवेगौड़ा जी की सरकार का, जब विश्वास प्रस्ताव चल रहा था उस समय अर्थ और अनर्थ में उलझे हुए आपके विद्वान महारथी श्रीमान चिदंबरम जी का यह वाक्य है। कुछ विद्वान लोगों की बातें वहां शायद समझ नहीं आई होगी। अठारह साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने 3 राज्यों का गठन किया, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़। कोई खींचातान नहीं, न कोई झगड़ा, मिल बैठ करके
जो जहां से निकले उनके साथ बैठ करके रास्ते निकाले, और तीनों राज्य बहुत तेजी से शांति से प्रगति कर रहे हैं और देश के विकास में योगदान दे रहे हैं। लेकिन राजनीतिक लाभ पाने के लिए आंध्र के लोगों को विश्वास में लिए बिना राज्यसभा के दरवाजों को बंद करके जोर और जुल्म के बीच, हाउस ऑर्डर में नहीं था तो भी आपने आंध्र और तेलंगाना का विभाजन किया। और ये बात सही है, जयदेव जी ने बताया, ये बात सही है कि उस समय मैंने ये कहा था, उस समय मैंने कहा था तेलुगु हमारी माँ है, उस समय मैंने कहा था तेलुगु हमारी माँ है, तेलुगु का स्पिरिट को टूटने नहीं देना चाहिए। उन्होंने बच्चे को बचा लिया, माँ को मार दिया है। हम सबका दायित्व है कि तेलुगु स्पिरिट को बचा लिया जाए। ये शब्द मेरे उस समय थे और आज भी मैं मानता हूं। लेकिन 2014 में, और आपका तो क्या हाल हुआ, आपको लगता था एक जाएगा तो जाएगा लेकिन दूसरा मिल जाएगा, लेकिन जितना जनता इतनी समझदार थी, न ये भी मिला न वो भी मिला, और आप पीछे ये मुसीबत छोड़ के चले गए। और आपके लिए नया नहीं है, आपने भारत पाकिस्तान का विभाजन किया, आज भी मुसीबतें झेल रहे हैं। आपने इनका भी विभाजन ऐसे किया है, उनको विश्वास दिलाया होता तो शायद ये मुसीबत ना आती, लेकिन कुछ नहीं सोचा। और मुझे बराबर याद है चंद्रबाबू का और वहां के हमारे तेलंगाना के सीएम का, केसीआर का, पहले साल बंटवारे को लेकर के तनाव रहता था, झगड़े होते थे, गवर्नर को बैठना पड़ता था, होम मिनिस्टर को बैठना पड़ता था, कभी मुझे बैठना पड़ता था, और उस समय टीडीपी की पूरी ताकत तेलंगाना के खिलाफ लगाए रखी है, उसी में लड़ते रहे। हम उनको शांत करने की बहुत कोशिश करते रहे, संभालने की कोशिश करिए, और टीआरएस ने एक मैच्योरिटी दिखाई चीजों को, ना वो अपने आप विकास में लग गए। उधर क्या हाल हुआ आप जानते हैं, संसाधनों का विवाद आज भी चल रहा है। बंटवारा ऐसा किया आप लोगों ने, संसाधनों का विवाद आज भी चल रहा है। एनडीए की सरकार ने सुनिश्चित किया कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के विकास में कोई कमी नहीं आएगी, और हम पूरी तरह उसमें कमिटेड। और हमने जो कदम उठाए, मुझे कुछ मीडिया रिपोर्ट याद है, कुछ मीडिया रिपोर्ट मुझे याद आ रही है, इसी सदन के एक माननीय सदस्य, उन्होंने बयान दिया था, टीडीपी के उन्होंने बयान दिया था कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस से कहीं ज्यादा बेहतर स्पेशल पैकेज है, ये लोगों ने दिया था। वित्त आयोग की सिफारिश को फिर से दोहराना चाहता हूं, इस सिफारिश के तहत आयोग ने स्पेशल और जनरल कैटेगरी राज्यों के भेद को समाप्त कर दिया। आयोग ने एक नई कैटेगरी नॉर्थ ईस्टर्न को और हिल स्टेट की बना दी। इस प्रक्रिया में आयोग ने इस बात का भी ध्यान रखा कि अन्य राज्यों को आर्थिक नुकसान न हो। एनडीए सरकार आंध्र प्रदेश के लोगों की आशा आकांक्षाओं का सम्मान करती है। अब पूरा सुनिए, आपके काम की बात आ रही है। एनडीए सरकार आंध्र प्रदेश के लोगों की आशाओं अपेक्षाओं का सम्मान करती है, लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि सरकार 14वीं वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों से बंधी हुई है। इसलिए आंध्र प्रदेश राज्य के लिए एक नया स्पेशल असिस्टेंस पैकेज बनाया गया, जिससे राज्य को उतनी वित्तीय सहायता मिले जितनी उसे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलने से प्राप्त होती है। इस निर्णय को
8 सितंबर 2016 को लागू किया गया, 4 नवंबर 2016 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्वयं इस पैकेज को स्वीकार करते हुए वित्त मंत्री का धन्यवाद किया। एनडीए सरकार आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट और स्पेशल असिस्टेंस पैकेज में किए हुए हर कमिटमेंट को पूरा करना चाहती थी, लेकिन पीडीपी ने अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए यू टर्न किया। और माननीय अध्यक्ष महोदया जी, पीडीपी ने जब एनडीए छोड़ने का तय किया तो मैंने चंद्रबाबू से फोन किया था, ये जानकारी आपके लिए नहीं होगी, आपके काम की जानकारी है। पीडीपी एनडीए से निकले, चंद्रबाबू से मेरी फोन पे बात हुई है और मैंने चंद्रबाबू से कहा था कि बाबू आप वाईएसआर की जाल में फंस रहे हो, वाईएसआर के चक्र में आप फंस रहे हो। और मैंने कहा आप वहां की स्पर्धा में किसी हालत में आप बच नहीं पाओगे, ये मैंने उनको इस दिन कहा था। और मैं देख रहा हूं झगड़ा उनका वहां का है, उपयोग सदन का किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश की जनता भी इस घनघोर अवसरवादिता को देख रही है। चुनाव नजदीक आते गए प्रशंसा आलोचना में बदल गई, कोई भी विशेष इंसेंटिव या पैकेज देते हैं तो उसका प्रभाव दूसरे क्षेत्रों पर भी पड़ता है। और इसी सदन में आप भी जरा सुन लीजिए, इसी सदन में 3 साल पहले श्रीमान वीरप्पा मोइली जी ने कहा था, हाउ यू कैन क्रिएट दिस काइंड ऑफ एन इनइक्वालिटी एंड इनइक्विटी बिटवीन वन स्टेट एंड द अदर स्टेट, इट इज अ मेजर इश्यू, आफ्टर ऑल यू आर एन आर्बिट्रेशन, यू आर एन आर्बिट्रेटर, ये बात मौली जी ने कही थी। और मैं आज इस सदन के माध्यम से आंध्र के लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं आंध्र की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं, चाहे राजधानी का काम हो, चाहे किसानों की भलाई का काम हो, केंद्र सरकार एनडीए की सरकार आंध्र की जनता के कल्याण के काम में कोई पीछे नहीं रहेगी। उनके जो मदद कर सकते हैं हम करते रहेंगे, आंध्र का भला हो उसी में देश का भला हो, यह हमारी सोच है। हम विकास में कोई असर नहीं छोड़ेंगे। हमारा प्रयास, हमारा काम करने का तरीका समस्याओं को सुलझाने का है। वन रैंक वन पेंशन कौन थे जिन्होंने इतने दशकों तक उसको लटकाए रखा था? जीएसटी का विषय इतने वर्षों तक किसने लटका कर रखा था? और आज यहां बताया गया के गुजरात के मुख्यमंत्री ने रोका था। मैं इस सदन को जानकारी देना चाहता हूं, उस समय के जो कर्ता धरता थे उनको भी मालूम है, मेरी मुख्यमंत्री के नाते चूठिया भी मौजूद है। मैंने उस समय भारत सरकार को कहा था कि जीएसटी में राज्यों के जो कंसर्न है इसको एड्रेस किए बिना आज जीएसटी को आगे नहीं बढ़ा पाए। आप राज्यों ने जो जीनियन मुद्दे उठाए हैं राज्यों के साथ बैठ करके उसका समाधान किए, लेकिन इनका अहंकार इतना था कि वे राज्यों की एक बात सुनने को तैयार नहीं थे, और उसी का कारण था। और ये भी मैं आज रहस्य खोलता हूं, बीजेपी के सिवाय अन्य दलों के मुख्यमंत्री भी
कांग्रेस के भी मुख्यमंत्री मुझे मिलते थे मीटिंगों में, वो कहते थे हम तो बोल नहीं पाएंगे, मोदी जी आप बोलिए हमारे राज्य का भी कुछ भला हो जाएगा। और मैंने आवाज उठाई थी, और जब प्रधानमंत्री बना तो मेरा मुख्यमंत्री का अनुभव काम आया, और मुख्यमंत्री के उस अनुभव के कारण सभी राज्यों के कंसर्न को एड्रेस करना तय किया, सभी राज्यों को ऑन बोर्ड लाने में हम सफल हुए, और तब जाकर के जीएसटी हुआ है। अगर आपका अहंकार न होता, आपने राज्यों के समस्याओं को समझा होता, तो जीएसटी 5 साल पहले आ जाता। लेकिन आपका काम का तरीका लटकाने का रहा है। काले धन पर सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बनाने ने कहा था, कौन लटका करके बैठा था? ये आप लोगों ने लटका था। बेनामी पर संपत्ति कानून किसने लटका करके रखा था? एनडीए सरकार द्वारा खरीफ के समय में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की लागत 150% करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया, ये रोका था किसने? अरे आपके पास तो ये रिपोर्ट 2006 से पड़ी थी, और आप 2014 तक सरकार में थे, 8 साल तक आपको रिपोर्ट याद नहीं आई। हमने निर्णय किया था हम किसानों को एमएसपी 1.5 गुना करके देंगे, हमने किया। और जब यूपीए सरकार 2007 में राष्ट्रीय कृषि नीति का ऐलान किया, तो उसमें 50% वाली बात को खा गए, उसको गायब कर दिया गया। इसके आगे भी 7 साल कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन एमएसपी सिर्फ बातें करते रहे और जनता को, किसानों को झूठा विश्वास देते रहे। मैं आज एक और बात को भी बताना चाहता हूं। देश के लिए ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, जिनको सुनना नहीं है उनके काम में आने वाली नहीं, लेकिन देश के लिए जरूरी है। हम 2014 में आए, तब कई लोगों ने हमको कहा था कि इकोनॉमी पर वाइट पेपर लाया जाए, इकोनॉमी पर वाइट पेपर लाया जाए। ले हमारे मन में भी था कि वाइट पेपर लाएंगे, लेकिन जब हम बैठे और शुरू में सारी जानकारियां पाने लगे, एक के बाद ऐसी जानकारी आई, हम चौंक गए, हम चौंक गए। क्या अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति पैदा करके रहे थे। और इसलिए मैं आज एनपीए की कहानी सुनाना चाहता हूं, क्या परिस्थिति पैदा की। ये कहानी की शुरुआत हुई 2008 में, और 2009 में चुनाव था, कांग्रेस को लगने लगा था कि अब 1 साल बचा है, जितनी बैंकें खाली कर सकते हो करो। एक बार जब आदत लग गई तो फिर बैंकों का अंडरग्राउंड लूट 2009 के बाद 2014 तक चलता रहा। जब तक कांग्रेस सत्ता में थी तब तक ये बैंकों को लूटने का खेल चलता रहा। एक आंकड़ा इस सदन के लोगों को भी चौंका देगा। आजादी के 60 साल बाद, माननीय अध्यक्ष जी, आजादी के 60 साल में, 60 साल में हमारे देश की बैंकों ने लोन के रूप में जो राशि दी थी वो 18 लाख करोड़ थी, 60 साल में 18 लाख करोड़। लेकिन 2008 से 2014 6 साल में ये राशि 18 लाख से 52 लाख करोड़ हो गई, 60 साल में 18 लाख, 6 साल में 52 लाख पहुंचाई। और ये 6 साल में 60 साल में जो हुआ था उसको डबल कर दिया। और ये कैसे हुआ? दुनिया में इंटरनेट बैंकिंग तो बहुत देर से आया, लेकिन कांग्रेस ऐसे बुद्धिमान लोग हैं,
कांग्रेस के लोग ऐसे बुद्धिमान है कि दुनिया में इंटरनेट बैंकिंग आने से पहले भारत में फोन बैंकिंग शुरू हुआ, ये टेलीफोन बैंकिंग शुरू हुआ। और टेलीफोन बैंकिंग का एक कमाल था कि 6 साल में 18 लाख से 52 लाख अपने चहेते लोगों को खजाना लुटा दिया गया बैंकों से। और तरीका क्या था? कागज देखना, प्रोजेक्ट कुछ नहीं, टेलीफोन आया लोन दे दो, लोन देने का समय आया उसके लिए दूसरी लोन दे दो, वो लोन देने का समय आया दूसरी लोन दे दो, जो गया सो गया, जमा करने के लिए नई लोन देते चलो। यही कुछ चक्र चलता गया और देश और देश की बैंक एनपीए के विशाल जंजाल में फंस गई। ये एनपीए का जंजाल एक तरह से भारत की बैंकिंग व्यवस्था के लिए एक लैंड माइन की तरह बिछाया गया था। हमने पूरी पारदर्शिता के जांच शुरू की, एनपीए की सही स्थिति क्या है इसके लिए मैकेनिज्म पर शुरू किया। हम इसमें हमने इतना बारीकी से गए कि एनपीए का जंजाल गहराता गया, निरंतर गहराता गया। एनपीए बढ़ने का एक और कारण यूपीए सरकार ने कुछ ऐसे निर्णय लिए जिसके कारण देश में कैपिटल गुड्स में, इंपोर्ट में बेतहाशा वृद्धि हुई। आपको ये जानकर के हैरानी होगी कि कैपिटल गुड्स का इंपोर्ट कस्टम ड्यूटी को कम करके इतना ज्यादा बढ़ाया गया कि हमारे कच्चे तेल के आयात के समतुल्य हो गया। इन सारे इंपोर्ट की फाइनेंसिंग बैंकों के लोन के जरिए की गई। देश में कैपिटल गुड्स के उत्पादन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। बैंकों की लेंडिंग के बिना, प्रोजेक्ट असेसमेंट के बिना क्लियरेंस ले ली गई। यहाँ तक कि बहुत सारे प्रोजेक्ट में तो इक्विटी के बदले भी लोन ही बैंकों ने दिया। अब एक तरफ तो इन कैपिटल गुड्स के आयात और प्रोजेक्ट के निर्माण में कस्टम ड्यूटी या सरकार के टैक्स में कमी की गई, वहीं दूसरी तरफ सरकारी क्लियरेंस देने के लिए कुछ नए टैक्स ला बनाए गए जो टैक्स सरकार के खाते में नहीं जाते थे। इस टैक्स के कारण सारे प्रोजेक्ट्स क्लियरेंस में देरी हुई, बैंकों के लोन फंसे रहे और एनपीए बढ़ता रहा। आज विपक्ष के मित्र जब बार बार एनपीए की स्थिति पे ऊपर अपने बयान देते हैं तो सरकार को बाध्य होकर के देश की जनता के सामने कुछ सदन, इस सदन के माध्यम से कुछ तथ्य फिर से रखने की जरूरत पड़ी है। एक तरफ तो हमारी सरकार ने बैंकों को बुक्स में इन सभी एनपीएस की ईमानदारी के साथ दिखाने का निर्णय लिया, वहीं दूसरी तरफ हमने बैंक में सुधार के लिए बहुत सारे नीतिगत निर्णय लिए जो देश की अर्थव्यवस्था को आने वाले वर्षों में मदद पहुंचाएंगे। 50 करोड़ रुपए से ज्यादा सारे एनपीए अकाउंट की समीक्षा की गई है। इनमें विलफुल डिफॉल्टर्स और फ्रॉड की संभावना का आकलन किया जा रहा है। बैंकों में स्ट्रेस्ड एसेट्स के मैनेजमेंट के लिए एक नई व्यवस्था तैयार की गई है। 2,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि बैंकों के रिकैपिटलाइजेशन के लिए दी जा रही है। हमारी सरकार ने इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड बनाए हैं। इसके द्वारा टॉप 12 डिफॉल्टर्स जो कि कुल एनपीए के 25% के बराबर है के केस नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल द्वारा लिए जा चुके हैं। इन 12 बड़े केस में
लगभग 3 लाख करोड़ रुपए की राशि फंसी हुई है। सिर्फ एक साल में इनमें से 3 बड़े मामलों में हमारी सरकार ने लगभग 55% की रिकवरी पाई है। वही अगर कुल 12 बड़े मामलों की बात करें तो उनमें से लगभग 45% की रिकवरी की जा चुकी है। ऐसे ही लोगों के लिए कल ही लोकसभा ने फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर बिल पास किया है। बैंक का कर्ज न चुकाने वालों के लिए अब देश के कानून से बचना और मुश्किल हो गया है और इससे एनपीए पर नियंत्रण लगने में भी मदद मिलेगी। अगर 2014 में एनडीए सरकार न बनती, जिस तौर तरीके से कांग्रेस सरकार चला रही थी, अगर वही व्यवस्था चलती रहती तो आज देश बहुत बड़े संकट में गुजरता होगा। मैं इस सदन के माध्यम से देश को ये बताना चाहता हूं कि पहले की सरकार देश पर स्पेशल फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट डिपॉजिट यानी FCNR के लगभग 32 बिलियन डॉलर 32 बिलियन डॉलर का कर्ज छोड़ करके गई थी। इस कर्ज को भी आज भारत ने पूरी तरह वापस कर चुकी है। ये काम हमने कर दिया है। देश में माननीय अध्यक्ष महोदय, देश में ग्राम स्वराज अभियान, इसको आगे बढ़ाने के लिए, महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने के लिए हमने 15 अगस्त तक 65,000 गांवों के सभी के पास बैंक खाता हो, गैस कनेक्शन हो, हर घर में बिजली हो, सभी का टीकाकरण हुआ हो, सभी को बीमा का सुरक्षा कवच मिला हो और हर घर में एलईडी बल्ब हो। ये गांव उन 115 जिलों में है जिनको गलत नीतियों ने पिछड़ेपन का अविश्वास दिया और हमने उनको आकांक्षा का नया विश्वास दिया। न्यू इंडिया की व्यवस्थाएं स्मार्ट भी है, सेंसिटिव भी है। स्कूलों में लैब के ठिकाने नहीं थे, हमने अटल टिंकरिंग लैब, स्किल इंडिया, खेलो इंडिया अभियानों से प्रतिभा की पहचान और सम्मान बढ़ा दिया। महिलाओं के लिए जीवन के हर पड़ाव को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाई गई और मैं आज गर्व के साथ कहना चाहता हूं, कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी में पहली बार देश में 2 महिलाएं बैठती हैं और 2 महिला मंत्री निर्णय में भागीदार होती है। महिलाओं को फाइटर फाइट पायलट के तौर पर इंडक्ट किया गया है। 3 तलाक जेल रही मुस्लिम बहनों के साथ सरकार मजबूती के साथ खड़ी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जन आंदोलन बना है। अनेक जिलों में बेटियों के जन्म में बढ़ोतरी, बेटियों पर अत्याचार करने वालों के लिए फांसी तक का प्रावधान, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हिंसा और अत्याचार को इजाजत नहीं दी जा सकती है। ऐसी घटनाओं में किसी एक भारतीय का भी निधन दुखद है, मानवता की मूल भावना के खिलाफ है। जहां भी ऐसी घटनाएं हो रही है वहां पर राज्य सरकारें कार्रवाई कर रही है। मैं आज इस सदन के माध्यम से राज्य सरकारों को फिर से आग्रह करूंगा कि जो भी ऐसी हिंसा करे उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। देश को 21वीं सदी के देश के सपनों को पूरा कर रहा है। भारतमाला से हाईवे का जाल पूरा देश में बिछाया जा रहा है। सागर माला से पोर्ट डेवलपमेंट और पोर्टलेट डेवलपमेंट उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। टायर 2 टायर 3 सिटी में
हवाई कनेक्टिविटी पर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश के शहरों में मेट्रो का व्यापक विस्तार हो, इस पर काम चल रहा है। इस देश की हर पंचायत तक इंटरनेट पहुंचाने के लिए तेज गति से काम हुआ है, देश इसका साक्षी है। गांव से लेकर के बड़े शहरों तक गरीब और मध्यम वर्ग के जीवन में बड़े बदलाव ला रही है। पहले की सरकारों के मुकाबले हमारे सरकार की गति कहीं ज्यादा तेज है। चाहे सड़कों का निर्माण हो, रेलवे लाइनों का बिजलीकरण हो, देश की उत्पादन क्षमता बिजली के वृद्धि करने की हो, नए शिक्षा संस्थान हो, आईआईटी आईएम हो, मेडिकल सीटों की संख्या में वृद्धि हो, कर्मचारी वही है, ब्यूरोक्रेसी वही है, फाइलों का तौर तरीका वही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये पॉलिटिकल विल है कि जिसके कारण देश के सामर्थ्य में नई ऊर्जा भर करके हम आगे बढ़ रहे हैं। इस देश में रोजगार को लेकर के, इस देश में रोजगार को लेकर के बहुत सारे भ्रम फैलाए जा रहे हैं, और फिर एक बार सत्य को कुचलने का प्रयास। आधारहीन बातें, कोई जानकारी नहीं, ऐसे गपगोले चलाना अच्छा होगा अगर उसमें थोड़ा बारीकाई से जान देते तो देश के नौजवानों को निराश कर करके राजनीति करने का पाप नहीं करते। सरकार ने सिस्टम में उपलब्ध रोजगार से संबंधित अलग अलग आंकड़ों को देश के समक्ष हर महीने प्रस्तुत करने का निर्णय किया। संगठित क्षेत्र यानी फॉर्मल सेक्टर में रोजगार में वृद्धि को मापने का एक तरीका है एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ में कर्मचारियों का अंशदान। सितंबर 2017 से लेकर मई 2018 इन 9 महीनों में लगभग 45 लाख नए नेट सब्सक्राइबर ईपीएफ से जुड़े हैं। इनमें से 77% 28 वर्ष से कम उम्र के हैं। फॉर्मल सिस्टम में न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस में पिछले 9 महीने में 5,68,000 से ज्यादा लोग जुड़े हैं। इस तरह ईपीएफ और एनपीएस के दो आंकड़ों को मिलाकर ही पिछले 9 महीनों में फॉर्मल सेक्टर में 50 लाख से ज्यादा लोग रोजगार में जुड़े हैं। ये संख्या पूरे वर्ष के लिए 70 लाख से भी ज्यादा होगी। इन 70 लाख कर्मियों ने ईएसआईसी के आंकड़ों को सम्मिलित नहीं किया गया है क्योंकि इनमें अभी आधार लिंकी का काम चल रहा है। इसके अतिरिक्त देश में कितनी ही प्रोफेशनल बॉडीज हैं जिनमें युवा प्रोफेशनल डिग्री लेकर अपने आप को रजिस्टर करते हैं और अपना काम करते हैं। उदाहरण के तौर पर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंट कंपनी सेक्रेटरीज, इनमें एक स्वतंत्र इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट ने सर्वे किया है और इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट का स्टडी कह रहा है, उन्होंने जो आंकड़े रखे हैं उनका कहना है 2016-17 में लगभग 17,000 नए चार्टर्ड अकाउंटेंट सिस्टम में जुड़े हैं। इनमें से 5,000 से ज्यादा लोगों ने नई कंपनियां शुरू की हैं। अगर एक चार्टर्ड
अकाउंटेंट संस्था में 20 लोगों को रोजगार मिलता है तो इन संस्थाओं में 1 लाख से ज्यादा लाख लोगों को रोजगार मिला। पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर, डेंटल सर्जन और आयुष डॉक्टर हमारे देश में 80,000 से ज्यादा पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर, डेंटल सर्जन और आयुष के डॉक्टर शिक्षित होकर के प्रति वर्ष कॉलेज से निकलते हैं। इनमें से अगर 60% भी खुद की प्रैक्टिस करें तो प्रति डॉक्टर 5 लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे और ये संख्या 2,40,000 होगी। लॉयर 2017 में लगभग 80,000 अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लॉयर बने। इनमें से अगर 60% लोगों ने अपनी प्रैक्टिस शुरू की होगी और अपने 2-3 लोगों को रोजगार दिया होगा तो लगभग 2 लाख लोगों को रोजगार उन वकीलों के माध्यम से मिला है। इन 3 प्रोफेशन में ही 2017 में 6 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार के अवसर मिले हैं। अब अगर इनफॉर्मल सेक्टर की बात करें तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में काफी लोगों को रोजगार मिलता है। पिछले वर्ष ट्रांसपोर्ट सेक्टर में 7,60,000 कॉमर्शियल गाड़ियों की बिक्री हुई। 7,60,000 कॉमर्शियल गाड़ियां, अगर इसमें से 25% गाड़ियां बिक्री पुरानी गाड़ियों को बदलने में लिए मानी तो 5,70,000 गाड़ियां सामान ढुलाई के लिए सड़क पर उतरी और नहीं उतरी। ऐसी एक गाड़ी पर 2 लोगों को भी अगर रोजगार मिलता है तो रोजगार पाने वालों की संख्या 11,40,000 होती है। उसी तरह अगर हम पैसेंजर गाड़ियों की बिक्री को देखें तो ये संख्या 25,40,000 की थी। इनमें से अगर 20% गाड़ियां पुरानी गाड़ियों को बदलने की मानी जाए तो लगभग 20,00,000 नई गाड़ियां सड़कों पर उतरी। इन नई गाड़ियों में अगर केवल 25% गाड़ियां भी ऐसी मानी जाए जो एक ड्राइवर को रोजगार देती है तो वो 5,00,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। उसी तरह से पिछले साल हमारे यहाँ 2,55,000 ऑटो की बिक्री हुई है। इनमें से 10% की बिक्री अगर पुरानी ऑटो बदलने की मानी जाए तो लगभग 2,30,000 नए ऑटो पिछले वर्ष सड़क पर उतरे हैं, क्योंकि ऑटो 2 शिफ्ट में चलते हैं तो 2 ऑटो से 3 लोगों को रोजगार मिलता है। ऐसे में 3,40,000 लोगों को नए ऑटो के जरिए रोजगार मिलता है। अकेले ट्रांसपोर्ट सेक्टर को इन 3 वाहनों से पिछले 1 वर्ष में 20,00,000 लोगों को नए अवसर मिले हैं। ईपीएफ, एनपीएस, प्रोफेशनल ट्रांसपोर्ट सेक्टर की अगर हम जोड़ करके देखें 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को अकेले पिछले वर्ष रोजगार मिला है और ये एक इंडिपेंडेंट संस्था का सर्वे कह रहा है। मैं उस इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूट को कोट कर रहा हूँ, ये सरकारी आंकड़े मैं नहीं बोल रहा हूँ। और इसलिए मेरा आग्रह है कि कृपा करके बिना तथ्यों को सत्य को कुचलने का प्रयास न किया जाए, देश को गुमराह करने का प्रयास न किया जाए। आज देश एक अहम पड़ाव
दबाव पर है। आने वाले 5 वर्ष 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के, जिसमें 85% हमारे नौजवान देश की नीयत तय करने वाले हैं। न्यू इंडिया देश की नई आशा आकांक्षाओं का आधार बनेगा, जहां संभावनाओं, अवसरों, स्थिरता, इसका अनंत विश्वास होगा, जहां समाज के किसी भी वर्ग, किसी भी क्षेत्र के प्रति कोई अविश्वास नहीं होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। इस महत्वपूर्ण समय में, बदलते हुए वैश्विक परिदेश में, हम सभी को साथ मिलकर के चलने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदया जी, जिन लोगों ने चर्चा में भाग लिया, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। मैं फिर एक बार आंध्र की जनता के कल्याण के लिए, एनडीए की सरकार कोई कमी नहीं रहेगी, हिंदुस्तान में विकास की राह पर चलने वाले हर किसी के लिए जी जान से काम करने का व्रत लेकर के हम आए हैं। और मैं फिर एक बार इन सभी महानुभावों को 2024 में अविश्वास प्रस्ताव लाने का निमंत्रण देकर के मेरी बात को समाप्त करता हूं। और मैं इस अविश्वास प्रस्ताव को पूरी तरह खारिज करने के लिए इस सदन को आग्रह करता हूं। आपने मुझे समय दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। Samay, let them go to their seat and then only they will get there. Yes, not like this. Yes, so you don't. Yes, madam, इनको बोलिए reply कब होगा, जब जाएंगे तो शुरू करते हैं। श्री केसी नानी, you want to reply? You will get 2-3 minutes, but they will have to go to their seat. Otherwise, they will not get the time. If you want to, they will have to go to their seat. They are not like this. I will not allow like this. You don't want to say anything? Let them go to their seat, then only you can. I want at least half an hour. I have the right to reply. No, you will get only 5 minutes. No, not Madam, I have the right to reply. I know that, but that is also only 5 minutes. I have to reply to all the... False. You start. No. False data. False words that our Prime Minister have expressed on this floor of the House. False. So I want at least 30 minutes time, Madam. 30 minutes. You will get. That you is start my challenge, Madam. Bite. 30 minutes coming. Yes. Thank you, ma'am.